Hi everyone, I am Janvi Pavar. Welcome back to my YouTube channel. Or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. और मैं ये चीज वीडियोस में बहुत रेयरली बोलती हूं कि आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड जस्ट बिकॉज बोलती नहीं उसका मतलब यह नहीं है कि वो एप्लीकेबल नहीं है पर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज रॉन्ग आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं चाहे वो इंग्लिश है फ्रेंच है स्पेनिश है एनी लैंग्वेज आउट देर और आप उसको कितने टाइम से सीख रहे हैं और किस प्रोसेस के साथ सीख रहे हैं आई एम हे टू टेल यू दैट दैट प्रोसेस इज रॉन्ग आप उसको गलत तरीके से सीख रहे हैं सबसे पहले बात तो हम उसे एक नॉन नेटिव के पर्सपेक्टिव से सीखते हैं दूसरी बात हम काफी सारे रूल्स के साथ सीखते हैं तीसरी बात हम प्रैक्टिस नहीं करते कंसिस्टेंस नहीं रहते चौथी बात हम चीजों को रटने की कोशिश करते हैं तो काफी सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज टोटली रॉन्ग

तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि आपने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो कैसे सीखी फॉर एग्जाम्पल माई नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी एंड माई नेटिव डायलेक्ट इज हरियाणवी मैंने वो कैसे सीखे बिकॉज वो मेरे एन्वायरमेंट में थे अब हमारे एन्वायरमेंट में चार चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम सीखते हैं सबसे पहले हमारे पास आती है लिसनिंग हम अपने पेरेंट्स को सुनते हैं हमारे आस पड़ोस में जो होते हैं उन्हें सुनते हैं देन वी स्पीक वो जो बोलते हैं हम उसे रिपीट करते हैं फिर उसके बाद जब हम स्कूल में चले जाते हैं वहां पे हम रीडिंग सीखते हैं लाइक ए फोर एपल ए ए एन आर हम उसको रीड करते हैं फिर हम उसकी ट्रेस करते हैं जो कि हमारी आती है राइटिंग स्किल्स तो आपने अपनी पहली लैंग्वेज को एक्सपोजर के थ्रू सीखा किसके थ्रू सीखा एक्सपोजर के थ्रू आपने कभी उसे ऐसे सीखा कि नहीं नहीं यहाँ पे था आना चाहिए यहाँ पे थी आना चाहिए या फिर नहीं मेरे को ये पाँच छः वर्ड्स याद करने चाहिए डिड यू है लर्न इट लाइक दैट नो यू डिड अच्छा एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज में ये बोलती हूँ कि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आप मूवीज देखना शुरू कर दीजिए तो काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है हमें कुछ समझ में तो आता ही नहीं है क्या देखेंगे उसमें तो जब आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी थी या फिर जब आप उसके प्रोसेस में थे तब आपने कभी भी उसके कार्टून वगैरह देखे मूवीज वगैरह देखी तो आपको सारे वर्ड समझ में आते थे पूरी वोकेबलरी समझ में आती थी या फिर आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्सट समझ में आता था सी इफ यू अंडरस्टैंडिंग मी राइट नाउ दैट मीन्स यू नो बेसिक इंग्लिश तो बेसिक किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए आपने शुरू में यू नो छः सात क्लासेस ली फिर उस लैंग्वेज को प्रोसेस लेकर आने के लिए आपको फिर रूल्स वगैरह की और एक प्रॉपर क्लास की जरूरत नहीं है आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत है और वो स्ट्रक्चर क्या है अब स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ें हमारे पास जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी अ लैंग्वेज अगर आपको नेचुरल साउंड करना है सो अ लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट क्रामिंग रूल्स अ लैंग्वेज इज अबाउट पिच अ लैंग्वेज इज अबाउट इंटोनेशन अ लैंग्वेज इज अबाउट प्रोनंसिएशन एंड अ लैंग्वेज इज अबाउट यू नो प्रॉपर टेंस स्ट्रक्चर्स दैट्स वॉर अ लैंग्वेजेस तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो है लिसनिंग अब लिसनिंग से आपकी किस चीज में मदद होगी लिस्निंग से आपकी मदद होगी इंटोनेशन में क्योंकि अगर मैं हिंदी की इंटोनेशन के साथ इंग्लिश में बोलू दैट्स नॉट एन अ साउंड गर्ड यू नो अगर मैं इंग्लिश की इंटोनेशन के साथ हिंदी में बोलू वो भी अच्छा नहीं लगेगा इंटोनेशन क्या होता है जो हमारी पिच होती है कभी हम हाई लेवल पर बोलते हैं कभी लो लेवल पर बोलते हैं कभी हम गुस्से में बोलते हैं सो दैट काइंड ऑफ पिच कभी हमें पता है कि किस वर्ड को कितना स्ट्रेस करना है आर को हमें इसमें कैसे बोलना है वह प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है तो ये सारी चीजें ये जो लैंग्वेज का एक नेचुरल फ्लो होता है ये आपको किससे लगेगा लिसनिंग से सो so बेसिकली अब लिसनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया हम सभी चलाते हैं लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट सोशल मीडिया पे फेसबुक पे अलग अलग वीडियोस आती हैं इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं टाइम पास करने के लिए हम यूट्यूब भी चलाते हैं यूट्यूब पे हम क्या देखते हैं कभी किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं कभी कुछ यू नो नॉलेज वाली चीज हम थोड़ी कम देखते हैं एंड उस अदर देन दैट हम ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर भी मूवीज और सीरीज वगैरह देखते हैं बट नाउ फॉर द नेक्स्ट टू टू थ्री मंथ्स प्लीज फोर्स योर सेल्फ कि आप उन सारी चीजों को इंग्लिश में सुने किस में सुने इंग्लिश में सुने अब उससे आपको क्या होगा आप जितना उसे सुनेंगे बार 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 वो उतने आपके सबकॉन्शियस में फिट होती जाएंगी और वो जिस तरीके से फिट होंगी आप उसको सेम तरीके से बोलने लगेंगे जैसे आपने अपनी पहली लैंग्वेज सीखी आपने जितना चीजों को बार 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 सुना आपने उतने उन्हें रिपीट करना शुरू कर दिया और लिसनिंग से आपका जो लैंग्वेज का फ्लो होगा वो भी परफेक्ट होगा बिकॉज हिंदी का लैंग्वेज फ्लो और इंग्लिश का लैंग्वेज फ्लो बोथ आर वेरी डिफरेंट डू दैट नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास नेक्स्ट चीज है हमारे पास रीडिंग अब रीडिंग से क्या आएगी आपके पास रीडिंग से सबसे पहली चीज आपके पास आएगी वोकैबुलरी सो रीडिंग फॉर वॉट रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन सो रीडिंग में आपके पास सबसे पहली चीज आएगी वोकैबुलरी उसके साथ साथ आएगी आपके पास ग्रामर रूल्स अब मोस्ट ऑफ द वीडियोज में मैं ये हमेशा ही कहती हूं कि मैं ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं करती जो कि मैंने शुरू में वीडियो में भी कहा था पर ग्रामर के कौन से रूल्स एक आइडेंटिफिकेशन होना ग्रामर की जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि कब हम किस कॉन्टेक्स में पास्ट की बात कर रहे हैं कब प्रेजेंट की बात करें रहे हैं कब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी रीडिंग करनी होगी रीडिंग के लिए यू हैव टू टेक सम टाइम आउट है ट्वेंटी निकालने ही होंगे एंड इज गोइंग टू बी अनदर वीडियो कि आप बेसिक लेवल पे कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट पर कौन सी एडवांस पे कौन सी पर अभी आपका जो भी लेवल है आप उस लेवल की बुक्स करिए बुक्स पढ़िए फॉर एग्जाम्पल अगर बिगिनर हैं तो नॉवल्स पे जाइए चिल्ड्रेन नॉवल्स अगर थोड़ा सा बढ़िया है आपका इंटरमीडिएट टाइप तो फिर आप नॉर्मल बुक्स पर चले जाइए जो कि सेल्फ हेल्प की होती है सेल्फ ग्रोथ की होती है थोड़ा उससे भी ऊपर है सो गो विद न्यूज पेपर एंड आई थिंक द बेस्ट वे इज टू रीड अ न्यूज पेपर अगर आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज पेपर में आपको sentence, और ये सारी चीजें मिलेंगी और ना शुरू के आपको सिर्फ पंद्रह से बीस दिन दिक्कत आएगी उसके वर्ड्स को बार बार गूगल पर जाकर ढूंढने में क्योंकि बीस दिन के बाद न्यूज पेपर में वर्ड रिपीट होने शुरू हो जाते हैं और जितना ही आप उन्हें रिपीटेड वर्जन में सुनेंगे उतना ही आप उन्हें खुद की लाइफ में रिपीट करेंगे नेक्स्ट वी हैव राइटिंग अब राइटिंग किस चीज़ के लिए जरूरी है मुझे पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में राइटिंग की क्या जरूरत है इट इज इंपॉर्टेंट राइटिंग एक तो सबसे पहले क्या होगा आपके जो दिमाग में थॉट्स चल रही हैं उन सारों को इंग्लिश में पुट करने में या फिर जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसे पुट करने में राइटिंग इज कैन हेल्प यू सो राइटिंग इज फॉर बेसिकली री तो राइटिंग जो है आप जर्नलिंग शुरू कर दीजिए उससे आपके क्या होगा जो आपने रीडिंग में वोकेबलरीरी पढ़ी जो आपने लिसनिंग में एक्सप्रेशन सुने फ्रेजेस सुने उन सारों को आप राइटिंग में पुट डाउन करेंगे फॉर एग्जाम्पल योर टॉपिक कैन बी एनीथिंग आपने जो भी न्यूजपेपर में टॉपिक पढ़ा उसको आप राइट

कि आई वुड हैव गॉन देयर मतलब मैं वहां जा सकती थी तो मैं इसको किसी और वे में भी यूज कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल ही वुड हैव गॉन देयर और ही वुड हैव प्लेड ही वुड हैव स्वैम सो एनी थिंग तो मैं अलग अलग वर्ड्स के साथ उसे पुट करती हूँ सो यू हैव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप उसे अलग अलग कॉन्टेक्ट में पुट करेंगे इन योर राइटिंग आफ्टर दैट लेट्स फोकस ऑन वन सिंगल थिंग आई मीन इन सारी चीजों के बाद दैट इज स्पीकिंग उ स्पीकिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अब काफी सारे क्या सोचते हैं कि पहले एक डेढ़ हफ्ते है ना राइटिंग कर लेते हैं लिसनिंग कर लेते हैं रीडिंग कर लेते हैं फिर स्पीकिंग पर आएंगे दैट इज इन करेक्ट दैट इज रॉन्ग डे वन डे वन से आपको स्पीकिंग करनी शुरू हो करनी होगी आपने जो लिसनिंग में सुना आपने अगर पांच मिनट सुना तो पांच मिनट में जो जो डायलॉग्स आपको ध्यान है स्टार्ट में मेकिंग दोस्त जो भी था स्टार्ट में मेकिंग सो डे वन से आप स्पीकिंग करेंगे अब मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि स्पीकिंग करने के लिए कोई तो है नहीं सो so, स्पीकिंग करने के लिए यू हैव योर सेल्फ डू यू हैव योर सेल्फ Do you think you do? अब आपने काफी सारी वीडियोज देखी होंगी हाउ टू स्टॉप थिंकिंग इन योर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में कैसे सोचें या फिर जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें कैसे सोचें मेरी भी ऐसी वीडियोज हैं यू can go and वॉच दम पर एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आपको शुरू में अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा जो आपने रीडिंग में सीखा जो आपने लिसनिंग में सीखा जो आपने राइटिंग में लिखा यू हैव टू गैदर दोज थिंग्स एंड यू हैव टू फोर्स यूर सेल्फ टू थिंक इन इंग्लिश अबिट यू कैन बिल्ड द हैबिट इन ट्वेंटी वन डेज सो प्लीज अगर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है तो आपको अपने आप को थोड़ा बहुत फोर्स भी करना पड़ेगा सो डू दैट एंड स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस डे वन से ही आपको पता होनी चाहिए कि स्पीकिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नहीं तो आपको रूल्स आते रहेंगे ऐसे मैंने काफी सारे टीचर्स देखे हैं जिनको इंग्लिश के एक एक रूल का पता है यू नो दे नो एवरीथिंग बट वेन इट खम्स टू स्पीकिंग नॉट अप टू द मार्क सो यू गाय शुड नो की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे जरूरी क्या है स्पीकिंग है तो बोलना शुरू करें मिमिक करना शुरू करें सोचना इंग्लिश में शुरू करें और ये नहीं कि गलत है सही है नो no. सोचना शुरू करें बस मोनोलॉग करें मोनोलॉग क्या होता है जो आप खुद से बात करते हैं मतलब कि मोनोलॉग एक स्पीच डायलॉग नहीं होता मोनोलॉग खुद से अकेला इंसान सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तब व्हेन यू आर यू नो गोइंग समवेयर तब या फिर जब आपके पास फ्री टाइम है तब सो गिव अ मोनोलॉग यू नो और फ्री टाइम में आप कुछ लिसनिंग कर सकते हैं पॉडकास्ट इंटरव्यूज सो बेसिकली वॉट यू आईज अगर डू इन द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ आप वो इस स्ट्रक्चर के साथ करेंगे सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर टू लर्न अ लैंग्वेज और बिल्कुल नेचुरली एक लैंग्वेज को आने के लिए दिस इज द स्ट्रक्चर वन कैन फॉलो क्योंकि आपने जिस तरीके से अपनी नेटिव लैंग्वेज एक नेचुरल तरीके से सीखी ऐसी आप इंग्लिश या फिर कोई और दूसरी लैंग्वेज भी आप बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से सीखेंगे ताकि वो नेचुरल साउंड करे और ये नहीं है कि पहले इंडियन स्पीकर्स को सुन लिया फिर स्पीकर को सुन लिया नहीं डायरेक्ट नेटिव स्पीकर से शुरू करो नेटिव स्पीकर से आप शुरू करेंगे आपके पास करेक्ट प्रोन्सिएशन आएगी करेक्ट इंग्लिश का लैंग्वेज फ्लो आएगा करेक्ट फ्लुएंसी आएगी सो डू दैट एंड आई बिन हॉकिंग अलॉट सो प्लीज आई वुड लव टू नो योर प्रोग्रेस एवरीबडी इन द कॉमेंट सेक्शन सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग आई एम जॉन बी पवार एंड आई विल सी गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बाई एवरी वन स्टे सेफ